वेलकम टू सहिताज कुकरी क्लासेस। टूटी फूटी आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनती है कि सेट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। आज हम सुपर टेस्टी टूटी फूटी आइसक्रीम बनाएंगे। इसका टेस्ट मार्केट वाली आइसक्रीम से भी ज़्यादा टेस्टी होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। टूटी फूटी आइसक्रीम बनाने के लिए आधा केजी कच्चा दूध लेंगे। यह फुल क्रीम होना चाहिए, आप उबला दूध भी ले सकते हैं, परंतु कच्चे दूध से आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। आधा कप चीनी, चौथाई चम्मच CMC पाउडर, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच GMS पाउडर लेंगे। इन्हें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। विस्कर की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से क्रीमीनेस और थिकनेस आती है। दूध में एक उबाल आने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से चिपक सकता है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे घर की बनी हुई आइसक्रीम मार्केट जैसी लगेगी। दूध अच्छे से उबल गया है, कॉर्नफ्लावर अच्छे से पक चुका है, कॉर्नफ्लावर के कारण काफ़ी थिक हो गया है। अब हम गैस फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा करेंगे। आइसक्रीम बेस रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हम छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली या लंप हो तो निकल जाए। आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले सकते हैं। इसे फॉइल पेपर और लिड से कवर करेंगे ताकि कोई भी आइस क्रिस्टल ना जमे। फ्रीजर में 3 से 4 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। ये हल्की सेट होनी चाहिए। 4 घंटे के बाद आइसक्रीम बेस को फ्रीज़र से निकाल लेंगे। बेस को हल्का सेट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इसे स्पून की सहायता से बॉल में निकाल लेंगे। इसे पीसेस में तोड़कर डालेंगे ताकि बीट करते समय बीटर ख़राब ना हो। अब हम डबल बीटर से 2-3 मिनट बीट कर लेंगे। डबल बीटर से बीट करने से आइसक्रीम काफ़ी फ्लफ़ी और क्रीमी बनती है। अब हम 1/4 कप मिल्क पाउडर को छान करके लेंगे। 1/2 कप मलाई लेंगे, मलाई फ्रेश और चिल्ड होनी चाहिए। इसे 2-3 मिनट और बीट कर लेंगे। आज हम 1/2 किलो दूध से 1 किलो आइसक्रीम बनाएंगे। हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम 1.5 चम्मच मिक्स फ्रूट एसेंस, 1 चम्मच ऑरेंज कलर, 2 बड़े चम्मच टूटी फूटी जेली लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। आइसक्रीम को जितनी अच्छी तरह से बीट करेंगे उतने ही क्रीमी और फ्लफ़ी बनेंगे। आज हम 1/2 किलो दूध से 1 किलो आइसक्रीम बनाएंगे। यह आइसक्रीम बहुत ही यम्मी बनती है। तुरंत ही इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे फॉइल पेपर और लिड से कवर करके फ्रीजर में 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट रख करके आइसक्रीम को सेट होने देंगे। फ्रीजर से आइसक्रीम को निकाल लेंगे। फ्रीजर में आइसक्रीम परफेक्ट जम चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस कुपर को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर है। यदि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम टूटी फूटी से गार्निश करेंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।